खबर जयपुर से है, जहां सीआईयू और नॉर्थ जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लाइब्रेरियन परीक्षा का पेपर आउट हुआ, पुलिस ने पेपर आउट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। आपको बताते चले, पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को राउंड अप यहां पर किया है। गिरोह में कई युवतियां भी शामिल हैं। सीआईयू टीम ने विद्याधर नगर थाना इलाके में ये छापा मारा। बियानी कॉलेज के पास एक आरआर हॉस्टल पर ये छापा मारा। पुलिस ने मौके से पेपर और प्रिंटर बरामद किया। एक बड़े कोचिंग सेंटर का ये पूरा हाथ बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे साथ। यादवेंद्र, बताएं, बड़ी कार्रवाई एक मानी जा रही है ये? बिल्कुल लवीना, मैं नॉर्थ जिला पुलिस की और सीआईयू जो टीम की है, ये कमिश्नरेट की जो टीम है, इसकी एक बड़ी कार्रवाई हुई है। क्योंकि जिस तरीके से आज रविवार का दिन था और आज 11 बजे पेपर होना था लाइब्रेरी कार के सी की ओर से, ये पेपर पहले से ही आउट हो गया। इसकी जो सूचना थी यहाँ पर नॉर्थ जिला पुलिस को लगी थी और इसके अलावा सीआईयू टीम को लगी थी। दोनों टीमों ने यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर के रूप में यहाँ पर काम किया और विद्याधर नगर थाना इलाका पड़ता है, वहां पर जो बियानी कॉलेज है उसके सामने एक आरआर हॉस्टल था। उस हॉस्टल के अंदर यहाँ पर दोनों टीमों ने दबिश मारी और उस दौरान यहाँ पर चार जो युवक युवतियां थी वो पाए गए यहाँ पर। उनके पास जब पुलिस ने खंगाला तो उनके पास एक जो पेपर था वो बरामद हुआ। इसके अलावा कुछ प्रिंटर और कंप्यूटर भी बरामद किए। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस पहले ये देखना चाह रही थी कि क्या ये वही पेपर है जो आउट हुआ है। इसके लिए पुलिस ने 2 घंटे तक इंतजार किया और उनसे पूछताछ करती रही। जब पेपर हुआ तो उसके बाद जब पेपर खुला एग्जाम सेंटर के अंदर, तो वहां पर पता लगा कि ये हूबहू पेपर था, उसकी जो नकल थी वो यहाँ कहीं ना कहीं सामने आई थी। तो उसके बाद पुलिस ने इनसे पूछताछ की, कड़ाई से पूछताछ हुई तो पता चला कि एक बड़ा जो कोचिंग सेंटर है जिसके जयपुर शहर के अंदर कई ब्रांच है, जिसका नाम आरआर कोचिंग सेंटर बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये उसकी मिलीभगत है। और क्योंकि चूंकि जो स्टूडेंट पकड़े गए हैं जो पेपर दे रहे थे यहाँ पर, ये तमाम जो स्टूडेंट थे ये आरआर कोचिंग के अंदर ही चाहते थे और आरआर जो हॉस्टल है ये भी उस कोचिंग सेंटर का बताया जा रहा है। तो ऐसे में पुलिस ने उनसे कड़ाई से पूछताछ की है, आधा दर्जन लोगों को यहाँ पर पुलिस ने हिरासत में लिया है। फिलहाल इस घटना के बाद पुलिस ने जो आरआर कोचिंग सेंटर पर भी दबिश मारी, लेकिन उससे पहले ही जो कोचिंग संचालक था, जो हॉस्टल संचालक था, जो कहीं और रहता था। जी यादवेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, लाइब्रेरियन परीक्षा का पेपर यहां पर आउट हो चुका है और फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।